अमीरों के घर इतना खाना होता है कि वो डस्टबिन में फेंक देते हैं, और गरीबों के घर इतना खाना भी नहीं होता कि अपना एक टाइम का पेट ही पाल सकें। बेचारी रजिया जो है वो ईंटों के भट्टे पे काम करती थी, वहाँ पर ईंटें बना के और उनको देती थी। शाम को वहाँ का जो चौधरी था वो उसको पैसे देता। बेचारा रोज़ कोशिश करता कि उसको ज़्यादा पैसे दे। बेचारी गरीब औरत है, वो एक दिन कहती है, रजिया चौधरी साहब, दूसरों की दिहाड़ी आप थोड़ी देते और मुझे ज़्यादा पैसे दे देते हैं। ओ पुत्र, मुझे पता है तू बीमार औरत है, तेरे घर वाले को ज़रा शर्म नहीं आती, सासू माँ तेरे ऊपर जुल्म ढाती है, मुझे बड़ा ख्याल आता है तेरा, इसलिए मैं तुझे ज़्यादा पैसे देता हूँ कि घर भी चला ले और अपने बुरे वक़्त के लिए पैसे भी संभाल ले। वो कहती है, शुक्रिया चौधरी साहब, इतना कह के वो चलती हुई बेचारी मस्जिद की तरफ बढ़ती है, थोड़े से मस्जिद में पैसे डालती है और फिर घर पहुँच आती है। घर आती तो आते साथ ही सासू माँ उसकी कहती, अरे करम जली, इतनी देर से क्यों आई है, कहाँ मुँह काले करती फिरती है रोज़ दिहाड़ी, आज भी इतनी लेट आई है। माँ, मैं मस्जिद में चंदा देने लग गई थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। अबे कौन सा चंदा दे रही है तू, तेरे तो मेरा दिल ही नहीं करता तुझे घर में रखने को, पता नहीं कहाँ से तू हमारे घर में आ गई है। फिर उसका बेटा कहता, पता नहीं किसका पाप लिए फिरती है, मुझे तो ये भी नहीं पता ये मेरा या किसी और का है, सारा दिन तो भट्टे में काम करती है। दवा कर माँ, छोड़ दे, ऐसे मर गई तुम्हारे सर पे ना चढ़ जाए, दवा कर उसको। वो उसका कान खींच के तो चली जाती। तो बेचारी कहती है, क्या नसीब है मेरे, कहीं सुकून नहीं है। मम्मी मम्मी आप परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। इसी तरह वक़्त गुजरता जाता है। वो बेचारी रोज़ ला के सासू माँ को पैसे देती है, और एक दिन सासू माँ कहती है, जितने पैसे लेकर आती है तू मुझे दे दिया कर। वो कहती, माँ कुछ, माँ सारे पैसे तुझे देती, थोड़े से रख लेती, चल दफ़ा हो जा, सारे पैसे रख ले या करूँ मैं तेरे, तू उसमें से भी चोरी करके अपने छुपाती, निकल जा मेरे घर से चल। माँ अब हम कहाँ जाएंगी, माँ अब हम कहाँ से खाना खाएंगे, मेरी बेटी परेशान ना हो, चल चलते हैं, अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला हमें कहीं ना कहीं कोई जगह दे देगा। वो बेचारी चलती हुई आती है, एकदम से बादल गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। माँ मुझे बड़ी ठंड लग रही है, माँ माँ क्या करें अब। कोई नहीं, अल्लाह पाक हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, शेरनी बन मेरी बच्ची। उतर इधर, तुम लोग बारिश में क्या कर रही हो चारों माँ बेटियाँ, इधर अंदर आ जाओ मेरी झोंपड़ी में। चलो बेटी अंदर चले। वो कांपती हुई अंदर आती हैं तो माई जो होती है वो उसके सर के ऊपर से बालों को साफ, पानी को साफ करती है और कहती है, बैठो इधर, तुम लोगों को बड़ी भूख लगी होगी, बैठो मैं तुम लोगों को खाना देती हूँ, परेशान ना हो। रजिया कहती है, माँ जी आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनी है, इतनी बारिश में मुझे मेरी सासू माँ ने घर से निकाल दिया है, तीन मेरी बेटियाँ हैं और मैं बीमार औरत हूँ, बहुत मजबूर हूँ। माई कहती है, मेरे होते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग इस घर में रहो, ये लो जो रोटी पड़ी मैं तुम लोग के लिए ले आई हूँ। उसकी तीनों बेटियाँ जी भर के खाना खाती हैं और भूखी बेचारी सो जाती है। अगले दिन माई कहती, ले पुत्र तू घर संभाल, अब मैं चलती हूँ। वो कहती, माँ जी अब कहाँ जाएंगी, बस ये तेरा ही घर है।